केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की सुपर फास्ट खबरों की ओर। बिहार जातीय सर्वे के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की रोक लगाने से कर दिया इनकार। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, साथ ही यह भी कहा कि जातीय सर्वे के सारे पहलू पर करना होगा विचार। बीते 2 अक्टूबर को जातीय सर्वे जारी होने के बाद अगले दिन ही 3 अक्टूबर को याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से जातीय आंकड़े जारी करने के मामले में हस्तक्षेप की गई थी मांग। सुप्रीम कोर्ट रेवड़ी पॉलिटिक्स पर मध्य प्रदेश और राजस्थान को नोटिस किया जारी। चुनावों से पहले रेवड़ियां बांटने के आरोप वाली जनहित याचिका पर दोनों राज्यों से मांगा जवाब। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, चुनाव से पहले हर तरह के बाद होते हैं वादे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि रूस ने एक शक्तिशाली नई रणनीतिक मिसाइल का सफलतापूर्वक किया परीक्षण। पुतिन ने संभावना से किया इनकार। रूस 3 दशकों से अधिक समय से पहली बार कर सकता है परमाणु विस्फोट वाले हथियार परीक्षण। पुतिन ने पहली बार स्वीकारो सफलता परीक्षण की बात। मथुरा के वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई अहम सुनवाई। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आगरा के व्यापारी प्रमुख गर्ग ने दी अर्जी। अर्जी देकर कहा कि वह प्रोजेक्ट के लिए 510 करोड़ रुपए देने के लिए हैं तैयार, जिसमें से 100 करोड़ रुपए की एक महीने में कर देंगे जमा। इस पर कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप मंदिर का पैसा चाहते ही क्यों हैं? कोर्ट ने कहा, क्या सरकार के पास पैसे की कमी है? जल्द आ सकती है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3। टाइगर 3 फिल्म को लोग कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। फिल्म का ट्रेलर 16 अक्टूबर को होने वाला है रिलीज। इन्हीं के बीच फिल्म के सेट से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब की जा रही है वायरल। बता दें कि वायरल तस्वीर में एक लेडी को बाइक से कूदते हुए देखा जा सकता है, जो फिल्म के एक एक्शन सीक्वेंस का एक हिस्सा है, जिसमें कहा जा रहा है कि बाइक से कूदने वाली लड़की हो सकती है कैटरीना कैफ। महागामा प्रखंड के मिल्लत कॉलेज परसा में यूजी सेमेस्टर 3 की परीक्षा हुई प्रारंभ। भूगोल, मनोविज्ञान, रामशास्त्र, गृह विज्ञान में कुल 216 विद्यार्थी रहे उपस्थित। केंद्र अधीक्षक सह प्राचार्य डॉक्टर तुषार कांत ने कहा, परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त हुई। महादेव बैटिंग ऐप केस से बॉलीवुड अभिनेता रणवीर कपूर के बाद अब श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, हिना खान और हुमा कुरैशी ने भी साधा ईडी से संपर्क। बैटिंग ऐप केस से नाम आने के बाद श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, हिना खान और हुमा कुरैशी ने ईडी के समन पेश होने के लिए एक सप्ताह का मांगा समय। सभी ने कहा उनके कुछ पहले से महत्वपूर्ण काम और मीटिंग्स है, इसीलिए उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से की मुलाकात। इस दौरान विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की आगे की रूपरेखा एवं रणनीति पर की गई चर्चा। सूत्रों ने बताया कि खड़गे के आवास पर तीनों नेताओं की हुई बैठक। साल 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता का हुआ ऐलान। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करने के लिए जेल में बंद कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया जाएगा नोबेल शांति पुरस्कार। नॉर्वे नोबेल समिति के अध्यक्ष बैरिट सेंस एडनसन ने शुक्रवार के ओस्लो में की प्रेरणा पुरस्कार की घोषणा। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए आप और कांग्रेस पर बोला हमला। राहुल गांधी को बताया नए जमाने का रावण। सिसोदिया, संजय 2 कैदी। मध्य प्रदेश शासन ने मेहर और पांडुड़िया को नया जिला बनाने का जारी कर दिया है आदेश। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में पहले ही किया था ऐलान। अब राजस्व विभाग ने प्रस्ताव पर लगा दी है मोहर। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने सिंगर मीका सिंह को भेजा लीगल नोटिस। दरअसल मीका ने हाल ही में हॉलीवुड एक्टर जीन क्लाउड और जैकलिन फर्नांडिस की फोटो पर अजीब सा कॉमेंट किया। मुकेश का यह लीगल नोटिस उसी टिप्पणी को लेकर। एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक विजेता ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कहा, यह पहली बार है जब हमने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है, इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। इस साल तीरंदाजी में भारत ने किया काफी अच्छा प्रदर्शन। कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर हुए विवाद के बीच भारत में काम कर रहे अपने राजनयिकों को कम करने का कर दिया शुरू। भारत सरकार ने हाल ही में कनाडा को नई दिल्ली में अपने राजनयिकों की संख्या करने को कहा था कम। सरकार सिक्किम में आई बाढ़ के बाद अब नुकसान को लेकर हो गई है सजग। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नुकसान के आकलन के लिए एक कमेटी बनाने का किया फैसला। साथ ही मंत्रालय ने राज्य के आपदा कोष की भी किश्तें भी कर दी मंजूर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज बीजेपी पर जमकर बसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ना तो खुद काम करती है और ना दूसरों को करने देती है। शराब घोटाले का पूरा केस फर्जी, डरा धमका कर लोगों से बयान किए जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, कुछ दिन बाद ये लोग एक और नया केस लेकर आएंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।